जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी अध्ययनकर्ता विश्वासी मसीही भाई बहनों का स्वागत है। मैं जॉनसन पॉल, बिब्लिकल फैसिलिटेटर। इस अध्ययन श्रृंखला में हम चिन्ह और चमत्कार विषय पर अध्ययन कर रहे हैं और वीडियो के पहले भाग में हमने चिन्ह विषय पर अध्ययन किया था। आज हम चमत्कार या आश्चर्य कर्म विषय पर अध्ययन करेंगे। मनुष्य के लिए असंभव कार्य जो कि भौतिक और प्राकृतिक नियमों के विपरीत होते हैं और स्थायी रूप से अर्थात हमेशा के लिए होते हैं, वे आश्चर्य कर्म, चमत्कार या अद्भुत कार्य, या फिर अंग्रेजी में इसे मिरेकल या वंडर्स कहलाते हैं। ये परमेश्वर की विशेष सामर्थ्य का प्रकटीकरण होता है। चमत्कार लंबे समय तक ठहरते हैं, इन्हें परमेश्वर द्वारा ही किया जाना संभव होता है। इन्हें किसी भी मनुष्य की शक्ति द्वारा नहीं दिखलाया जा सकता। कुछ मात्रा में मनुष्य हाथ की सफाई या दुष्टात्मा की सहायता से भी आश्चर्य में डाल देने वाले कार्यों को दिखलाया जाता है, जो कि सामान्य मनुष्य को समझ में नहीं आने के कारण वे हमें आश्चर्य कर्म प्रतीत होते हैं। लेकिन ये वास्तविक आश्चर्य कर्म से अलग है, जो कि परमेश्वर द्वारा दिखाए जाते हैं और जिनका वर्णन बाइबल में पाया जाता है। सामान्य रूप से आज भी परमेश्वर द्वारा इस पृथ्वी पर और पूरे ब्रह्मांड में और यहां तक कि व्यक्ति विशेष में आश्चर्य कर्म किए जाते हैं, जिसे वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाते और जो अलौकिक या अति प्राकृतिक होते हैं। बाइबल में आश्चर्य कर्मों को अद्भुत कार्य या सामर्थ्य के कार्य भी कहा गया है। बाइबल बतलाती है कि वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी ताह नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। भजनों में भी पाया जाता है कि अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है, तूने अपने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। मनुष्य की शारीरिक रचना भी परमेश्वर का एक आश्चर्य कर्म ही है, और जिसके विषय में राजा दाऊद ने बतलाया था कि तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्यक है और मैं इसे भली भांति जानता हूं। हमारे आपके जीवन में भी बहुत से आश्चर्य कर्म परमेश्वर प्रकट करते हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं लगाते, इसीलिए भी हम धन्यवाद करना भूल जाते हैं। राजा दाऊद इस विषय में बतलाते हैं कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोल कर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती, और कि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। इसीलिए भजनकार सलाह देते हैं कि यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। बाइबल की शुरुआत ही परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों से होती है, और जिसमें कहा गया है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, जिसमें परमेश्वर ने कहा और शून्य से पृथ्वी और उसमें की वस्तुएं ब्रह्मांड बन गया, और रात और दिन का निरंतर आज तक होते रहना भी परमेश्वर का ही आश्चर्य कर्म है, जिस पर कि हमारा ध्यान नहीं जाता। और इसके अलावा मूसा के लिखे गए पंचग्रंथ
जो कि बाइबल में स्थित पहली 5 पुस्तकें हैं, उसमें बहुत से आश्चर्य कर्म परमेश्वर का पाया जाता है। जैसे परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से आश्चर्यजनक रीति से निकालना और कनान के मार्ग में मरुभूमि में उनका पालन पोषण किया जाना, और जिसमें मुख्यतः मिस्र में 10 विपत्तियों को लाना, लेकिन इसराइलियों पर इन विपत्तियों का प्रभाव का ना पड़ना, ये सब जो है पंच ग्रंथ में अर्थात बाइबिल की जो प्रथम पुस्तक है उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक की पुस्तकों में इन आश्चर्य कर्मों का वर्णन बहुतायत से पाया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मिस्र से निकलते समय लाल समुद्र का 2 भागों में बट जाना और परमेश्वर की चुनी प्रजा इसराइलियों को मिस्र से समुद्र में सूखी भूमि से पार ले जाना, आग और बादल के खंभे से मार्गदर्शन को करना और मारा नामक स्थान में कड़वे पानी का मीठा किया जाना, ये सब जो है परमेश्वर के आश्चर्य कर्म ही है। मरुभूमि में आकाश से मन्ना और बटेरों को प्रदान करके इसराइलियों को खिलाना और रपीदीम की चट्टान से पानी निकालकर प्यासे इसराइलियों को पिलाना, पीतल के सांप से चंगाई और हारून की सूखी छड़ी में बादाम के फूल और फल का लग जाना, ये सभी जो है ये आश्चर्य कर्म परमेश्वर के हैं। और इसके अलावा जब तक एमोरियों पर विजय नहीं प्राप्त होती तब तक सूर्य का गिबोन पर और चंद्रमा का अय्यालोन की घाटी में थमा रहना, और जिसके विषय में पाया जाता है कि उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इसराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इसराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रह। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना लिया। क्या यह बात याशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 प्रहर तक ना डूबा, ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इज़राइल की ओर से लड़ता था। यहोशू के नेतृत्व में इसराइलियों के कनान प्रवेश के पहले एक बहुत बड़ी बाधा यर्दन नदी थी और जिसे उन्होंने पार करके कनान के पहले नगर यरीहो में उनको प्रवेश करना था। तब यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। बाइबल में स्थित ऐतिहासिक पुस्तकों में हम देख सकते हैं कि एलिया के द्वारा परमेश्वर का वचन पाकर 3.5 साल तक बारिश का ना होना और कौए के द्वारा एलिया को रोटी और मांस का खिलाया जाना और एलिया के प्रार्थना करने पर आकाश से आग गिरकर वेदी सहित बलि वस्तु को जला दिया जाना और एलिया का बवंडर में उठा लिया जाना, और इसके बाद एलिशा के द्वारा भी परमेश्वर की सहायता से अनेक आश्चर्य कर्म किए गए और जिनका की बाइबल वर्णन करती है, जैसे कि विधवा के खाली पात्रों में या खाली बर्तनों में तेल का भरा जाना और शुनेम वासी महिला के मरे हुए बच्चे को जीवित करना, भोजन के विष को अमृत में बदल देना, 20 रोटी से 100 मेहमानों को खिलाना, नामान कोढ़ी की चंगाई, कुल्हाड़ी का पानी में तैरना और एलिशा की हड्डी के छूने से मरे हुए व्यक्ति का जीवित हो जाना,
इस प्रकार अनेक प्रकार के आश्चर्य कर्म एलिशा के नाम से बाइबल में दर्ज है। अब हम देखते हैं कि नया नियम पुस्तक चमत्कार या आश्चर्य कर्म के विषय में क्या बतलाती है। नए नियम में यीशु मसीह और उनके प्रेरितों के द्वारा भी कई अद्भुत कार्य या आश्चर्य कर्म किए जाने का वर्णन बाइबल में पाया जाता है। यीशु मसीह द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों को हमें तीन भागों में विभाजित करके आज अध्ययन करेंगे, और जिसमें कि पहला भाग है या पहला वर्ग है चंगाई के आश्चर्य कर्म। इसके अंतर्गत उच्चाधिकारी के पुत्र को स्वस्थ करना और अनेक बीमारियों से स्वस्थ करना, कफरनहूम में दुष्टात्मा से चंगाई, पतरस की सास को चंगा करना, कोढ़ी की चंगाई और लकवे के रोगी की चंगाई, 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति की चंगाई, सूखे हाथ वाले व्यक्ति की चंगाई, सेना नायक के सेवक के लकवे से चंगाई, यूहन्ना के चेलों के सामने चंगाई और गलील में दुष्टात्मा से चंगाई, गदरेनियों में दो दुष्टात्मा ग्रस्त मनुष्यों को स्वस्थ करना, 12 वर्ष के रक्त स्त्राव से ग्रसित स्त्री को पूर्णतः स्वस्थ किया जाना, 2 अंधे को दृष्टि दान देना, कफरनहूम में एक दुष्टात्मा ग्रसित और गूंगे की चंगाई, कफरनहूम में ही अनेक बीमारों की चंगाई, अन्य जाति कनानी स्त्री की बेटी का दुष्टात्मा से चंगाई, दिकापुलिस में गूंगे और बहरे मनुष्य की चंगाई, दिकापुलिस में ही अनेक बीमारों की चंगाई, बैतसैदा में अंधे मनुष्य को दृष्टि दान देना, फिलिप्पी में दुष्टात्मा ग्रसित मिर्गी के रोगी को स्वस्थ करना, 10 कोड़ियों की चंगाई, सबक के दिन अंधे व्यक्ति की चंगाई, भीड़ में चंगाई, कुबड़ी स्त्री को स्वस्थ करना, जलोधर के रोगी को स्वस्थ करना, यरीहो में 2 अंधों को दृष्टिदान, और अपने पकड़वाए जाने के समय पर महायाजक के दास का कटा कान को स्वस्थ करना। ये सभी आश्चर्य कर्म जो कि चंगाई से संबंधित है यीशु मसीह के द्वारा किया जाना नया नियम सुसमाचार की पुस्तक बतलाती है। दूसरा वर्ग है प्राकृतिक शक्तियों के विरुद्ध आश्चर्य कर्म। इस वर्ग में वे आश्चर्य कर्म रखे जा सकते हैं जो कि भौतिक सिद्धांतों के विपरीत है। इस वर्ग में काना नगर में अपने पहले ही आश्चर्य कर्मों में पानी का दाखरस बनाना, यीशु मसीह द्वारा प्रेरितों को सेवा के लिए बुलाए जाने पर उनके कहे अनुसार जाल डालने पर जाल फटने तक बहुत सारी मछलियों का पकड़ा जाना, तूफान को शांत करना, 5,000 व्यक्तियों को भोजन कराना, यीशु मसीह का पानी पर चलना, यीशु मसीह की आज्ञा से पतरस का पानी पर चलना और झील से अचानक नाव का किनारे पर लग जाना, 7 रोटी और थोड़ी सी मछली से 4,000 व्यक्तियों को भोजन किया जाना, मछली के मुंह से सिक्का निकालना, अंजीर के पेड़ का तुरंत सूख जाना और पुनरुत्थान के बाद प्रेरितों के बीच में बंद कमरे में प्रकट हो जाना, पुनरुत्थित यीशु के आदेश से 153 मछली पकड़ा जाना। ये सभी आश्चर्य कर्म ये आश्चर्य कर्मों की श्रेणी में आते हैं जो कि प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है। और तीसरे वर्ग में मृत्यु पर अधिकार के विषय में आश्चर्य कर्म यीशु मसीह के द्वारा किए गए, जैसे कि नई नगर में विधवा के मरे हुए बेटे को जीवित करना, सभागार अधिकारी की बेटी को जीवित करना, मृत लाजर को जिला देना। ये सभी आश्चर्य कर्म जो कि तीसरे वर्ग में आते हैं अर्थात मृत्यु पर अधिकार के विषय में ये आश्चर्य कर्म यीशु मसीह के द्वारा किए गए। इसके अलावा कुछ और भी आश्चर्य कर्म पाए जाते हैं, जैसे कि यीशु मसीह के मृत्यु के समय मंदिर का पर्दा फटकर 2 टुकड़ों में बट जाना,
यीशु मसीह का स्वर्गारोहण और प्रेरित पौलुस का मन परिवर्तन, ये सभी जो है आश्चर्य कर्मों की श्रेणी में या चमत्कार की श्रेणी में आते हैं। इन आश्चर्य कर्मों को देखने से यही समझ में आता है कि इनका किया जाना मनुष्य के वश की बात नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की प्रेरणा से ही किया गया कार्य है। यीशु मसीह द्वारा किया गया आश्चर्य कर्म ये साबित करते हैं कि वे परमेश्वर हैं और उन्होंने जो कहा और वैसा ही हो गया जैसा कि परमेश्वर ने सृष्टि रचना में कहा था और हो गया। और परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से जो भविष्यवाणी की उनका भी पूरा होना परमेश्वर के ही आश्चर्य कर्म है। यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ्य का उपयोग कभी भी स्वार्थ के लिए या अपनी बढ़ाई के लिए या सनसनी फैलाने के लिए कभी नहीं किया और ना ही किसी मनुष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए ही वे किए गए थे, बल्कि जरूरतमंद व्यक्तियों के आग्रह करने पर और उनकी भलाई के लिए ही उन्होंने आश्चर्य कर्म किए थे जिन्हें उनकी आवश्यकता भी थी। और इन आश्चर्य कर्मों के पीछे मनुष्यों के प्रति करुणा, दया और त्यागपूर्ण प्रेम रहा है। इन आश्चर्य कर्मों के पीछे परमेश्वर का विश्वास कि उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं, इसका होना बहुत जरूरी था। जैसे कि चंगाई पाने वाले व्यक्तियों को यह दृढ़ निश्चय था कि यीशु मसीह उनको चंगाई दे सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसका 1 से लेकर 6वें वचन को ध्यान से पढ़ने पर आप पाएंगे कि यीशु मसीह ने अपने गृह नगर में कोई भी आश्चर्य कर्म नहीं किए, क्योंकि उनके गृह नगर के लोगों ने ही उन पर विश्वास नहीं किया था और न ही यीशु को मसीह के रूप में उन्होंने स्वीकार ही किया था। यीशु मसीह ने नगरवासियों से कहा था कि नबी अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता, और वह वहां अर्थात यीशु मसीह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उनको चंगा किया। आश्चर्य कर्म या चमत्कार परमेश्वर अपने विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया करते हैं। नए नियम में पाए जाने वाले आश्चर्य कर्म विशेषकर यीशु को प्रतिज्ञा किए गए मसीहा के रूप में स्वीकार करने और सुसमाचार के प्रचार के लिए किए गए हैं। यीशु मसीह ने अपने 12 प्रेरितों को सुसमाचार प्रचार में भेजते समय ये सामर्थ के काम करने की आज्ञा इस प्रकार से दी थी कि बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेहत में पाया है सेहत में दो। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद उनके प्रेरितों और चेलों को भी सुसमाचार पर विश्वास के लिए ये अद्भुत काम करने की सामर्थ्य या चमत्कार करने की या आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य प्रदान की गई थी। जैसे कि पाया जाता है कि बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट किए गए। प्रेरित पौलुस ने भी बतलाया कि प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाए गए। प्रेरितों के समय काल में वे यहूदियों के भय से सुसमाचार के विस्तार के लिए वे प्रार्थना किया करते थे कि अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख, अर्थात सदूकियों और फरीसियों की धमकियों को देख, और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। पवित्र आत्मा के वरदानों में भी चंगाई और आश्चर्य कर्म पाए जाते हैं।
जैसा कि पहला कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय और उसके 9 और 10वें वचन में पाया जाता है कि किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति। आश्चर्य कर्मों के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। आज के समय में हम आश्चर्य कर्म या चमत्कार इसलिए भी नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम पहले आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं और फिर विश्वास करना चाहते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन विश्वास के लिए बतलाता है कि अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, वे कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आइए अब हम चिन्हों और चमत्कारों को दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं कि हमारे आसपास बहुतायत से चिन्ह और चमत्कार आज देखे जा सकते हैं। चिन्ह और चमत्कार शैतान और उसके सहायक दुष्ट आत्माओं द्वारा भी दिखलाया जाता है और जो कि मनुष्य को भ्रमित करने के लिए और झूठे होते हैं। मनुष्य सच्चे और झूठे चिन्हों और आश्चर्य कर्मों में अंतर नहीं समझ पाता और वे शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं। जैसा कि बाइबल में पाया जाता है कि लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी यीशु के पास लाए और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा और भीड़ ने अचंभा करके कहा कि इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार अर्थात बालजबूल या फिर शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं के मनुष्य में घुसपैठ की वजह से कई प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोग भी हुआ करते हैं और शैतान प्रेरित ओझा और झाड़फूंक करने वाले इन दुष्ट आत्माओं को निकाल देने से मनुष्यों को चंगाई भी प्राप्त होती है। जब गूंगा बोलने लगा और फरीसियों ने यीशु मसीह पर यह आरोप लगाया कि यीशु परमेश्वर की सहायता से नहीं बल्कि शैतान प्रेरित होकर दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, तब यीशु मसीह ने कहा था कि यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारा वंश किसकी सहायता से निकालते हैं, इसीलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है।
अंतिम समयों के विषय में जिसमें कि आज हम जी रहे हैं, बतलाते हुए यीशु मसीह ने कहा था कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। प्रेरित पौलुस ने भी बतलाया था कि उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। और इन बातों को हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भली भांति इसको देख सकते हैं। आज के अध्ययन के अंत में मैं एक वचन के द्वारा आज का अध्ययन समाप्त करना चाहूंगा कि हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बस सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा है। आशा करता हूं चिन्ह और चमत्कार के विषय के इस अध्ययन से आप अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे और झूठे और सच्चे चिन्ह और चमत्कार में आप अंतर भी अब कर पाएंगे। आइए हम अपने प्रभु का आशीष वचन को ग्रहण कर आज का अध्ययन हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की शांति जो कि समझ से परे है और प्रभु यीशु मसीह का आनंद प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक आप सबों के मध्य में वास करें। आमीन।